जिकदर दी इज्जत हाजरी ने माइलस शिया सुने भाई मद्यपाना गुजारिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अपना नाला शख्स वो चाहे अरब चे चाहे अजम चे चाहे वो शर्क चे चाहे वो अरब चे चाहे वो शुमाल चे चाहे वो जनूब चे जेड़ा शख्स अल्लाह दी वहदानियत दे बाद मुहम्मद रसूलुल्लाह बनदा है वो काफर नहीं है शाह साहब तशरीफ फरमाने जिमें कोई बच्चा स्कूल दाखिल हो जाए तो तालिब इलम है उदे स्टूडेंट होने तो इनकार है नहीं फिर साल बाद इम्तिहान है या वो फेल है तुसी बोलो तो या पास तालब इलम हों तो स्टूडेंट हों तो इनकार नहीं किया जा सकता उन्हें दाखला लिया है उन्हें फीस दिती है उन्हें क्लास अटेंड की है हाँ अगर नहीं पढ़िया तो फेल हो गया पढ़ गया पास हो गया इसी तरीके नाल जिस शख्स ने जिस इंसान ने जिस बशर ने मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया वो इस्लाम में दाखिल हो गया मगर फर्क है थोड़ा जहा लफ्जों का मफहूम इको ही सकूल चो लफ्ज़ चलता है कॉलेज यूनिवर्सिटी फेल पास इस्लाम में लफ्ज़ फेल पास नहीं चलता उत्थे चलता है या मोमन या मुनाफिक मुसलमान मोमन भी हो सकता है मुनाफिक भी हो सकता है जैसा कि कुरान ने दोवे सिलसिले क्लियर किए लेकिन काफिर नहीं हो सकता असा तो कभी किसी ने आख्या नहीं सानू ही लोग आखते हैं बशिया काफिर मेरे ख्याल प्यार तो आते हैं इस तरह मैं दिशा पाएंगा क्योंकि मौलवी राम की एक आदत है कि किसी बंदे को जाके बैठे तो ना क्या काफरा चाहते पिवा तो इसका मतलब एक उन्होंने एक इजारे मुहब्बत है दिलों सानू काफर नहीं समझ मेरे को सबूत है मसला मक्के और मदीने के बार बाईपास ने और उन्होंने बहुत वड्डा बोर्ड लगा है जितनी तुहाडी आ जगह है ना आ जिहड़ी तुसां रिज़म बनाया दायरा इतने इतने वड्डे बोर्ड लगे कि मक्के और मदीने में काफर का दाखला मम तो तकरीबन 25 लाख हर साल वीज़ा सऊदी अरब मुख्तलिफ मुल्क देता है साढ़ा भी कोटा कोई लाख के करीब है पिछे लाख तो उत्ते सी हूँ फिर लाख हो गया तो वो बनता है 25 लाख इंसान जेड़ा हर साल हज कर
ते जी उमरे दे लोग पा लो ते फिर तकरीबन बन जाता है 50 लाख। 50 लाख चो अगर एवरेज कढ़ी जाए तो तकरीबन 5 to 6 लाख शिया बनता है जरा या हज करता है ते या उमरा। पहले तो बोर्ड लगा है कि काफर अगे बोलते नहीं, नहीं जा सकते। दूसरा है कि इस्लाम आता है जिस शायन काफर मुंह लाए उन मुसलमान मुंह नहीं ला सकता क्योंकि निजस हो गई। अगर वाकई सन काफर समझते हो तो फिर हजरे असवद नो आइंदा तुसा बोसा नहीं देना। वो तुहाडे चुम्मण दा नारे तकबीर अल्लाह अकबर नारे रिसाले नारे हैदरी। अच्छा हजरे असद नो लड़ लड़ के लोग बोसा लड़ लड़ तके देंदे नहीं कि आना को गैर शरी। मसल मैं पहुंच गया है हजरे असद तो मैं पहुंच गया तो मैं धक्का दे के आप बोसा ले लिया है तो थोड़ा वो बोसा कबूल नहीं तो कसबी हो गया मगर उत्थे लैण छैण ते आया कोई ना। मैं भी गया कुट छुट खा के मैं भी आ गया। फिरके बहुत ज्यादा ने मुसलमानों लेकिन खड़पैंच जेड़े ना वो चार ने जिन्हां दी चौधर बनी अहले हदीस देवबंदी बरेलवी शिया बाकी इन्हां दे विचों ही थोड़ा थोड़ा इख्तलाफ करके ते होर फिरके भी हैं। अहले हदीस चुमदा है पिया देवबंदी चुमदा है पिया बरेलवी चुमदा है पिया शिया चुमदा है पिया। सवाल पैदा होंदा है कि क्यों चुमदे हो। बड़े बड़े सियाने बंदे बैठे हो बाल कोई ना बैठे सारा साल मौलवी साहब बुत परस्ती तो पत्थर की पूजा तो मना कर दे तो अल्लाह के घर जाके चुमन लग पाओ जिथे एहतियात करनी चाहिए उथे कर दा। और फिर जो हाथ पै जाए ना चुमन लग्या उन्हें छिकना ही पाता है वहां पर छड़ता ही नहीं जा। ये तुसी हज करन गया हो कि पत्थर चुमन गया हो जी ने की करन गया हो तकड़े हो ते वो पत्थर नाल की तुहाडा मतलब है। खुदा दे बंदे हो रल के तुसा बना नहीं कारीगर बंदे पै गए उन्हें शिया वखरे कर लै सुनी सानू अकल मत नहीं पी आउंदी बस इकट्ठे ही हो जाई। एक मसला फड़िया तो सोहनी बैठक चो दुध पत्ती को चाह का कप बना के उहदे ते डिस्कस कीती उहदा को अच्छा हल तलाश किया बेहतर तो बेहतर सवाब भी ले लिया हक भी हासिल कर। अगर कोई गैर मुस्लिम जेड़ा के कलमा नहीं पढ़ता वो पूछे बे तुसी ते पत्थर दे खिलाफ हो ते चुमदे क्यों हो की जवाब
कोई एक जवाब है जरा हाँ हदीस दे रहे हैं वही दियोबंदी दे रहे हैं वही बरेवी दे रहे हैं वही शिया दे रहे हैं एक जी अल्लाह के रसूल चुमे इस वास्ते असी चुमने तो जे क्यामत वाले दिन अल्लाह के रसूल ही पूछ लिया कि जिस पत्थर नू मैं एक बारी चुमिया वो सारी उम्मत नू याद है ते जिस हुसैन नू मैं रोज चुमदा पत्थर खूने रसूल ने बैठ जा बेटा हाँ चला जा जाना चला जा वो थोड़ा जहा मसला अल्लाह दुआ करो अल्लाह शफा अता ओदे खजाने की केड़ी कमी कर सबत होया कि पत्थर का चुमना उम्मत नू याद है ते हुसैन का चुमना थोड़ा होर सुन अहले फलसफा अहले मंतक अफलातून फुकरात बुकरात रसू वगैरह ने कायनात में चौं हिस्से तकसीम किया जमादात नबातात हैवानात इंसान चूंकि अफलातून दे त्रै शिगिरद सन अफलातून दरिया सी उहदा कोई मजहब नहीं सी उन्हें जो जो ज़ाहिर नज़र आया उन्हें उदे दर्जात जी बनाते चूंकि उदे कोल ज़ाहरी सी लिहाजा ना उदे इलम चो जिन सन ना उदे इलम चो मलायक सन ना उदे इलम चो नबूवत सी ना उदे इलम चो विलायत सी लिहाजा उन्हें चार चीज़ा नज़र आईया उन्हें यके बाद दिगरे इन्हों बेजी पत्थर है पत्थर के उत्ते नवातात है नवातात के उत्ते हैवानात है हैवानात के उत्ते इंसान अच्छा बाद चो अपने पैरोकार कतल कर छड़िया वो एक लंबी कहानी उन्हें छेड़ दी सब तो या कि पत्थर भी मुसलमाना च काबले ताजीम है अगे बाबा सियाद शाह थोड़े न लड़ता रहा भी दात ना देंदे मैं तो कभी दात तो नहीं लड़िया मैं तो ना भी समझो पर उते भी शिया सुन्नी ये की कड्डू 1400 साल हो गए ने दोवे घर बस कर कट्ठे हो कुछ दानाई दियाँ गल्ला करिए कुछ सियाणियाँ गल्ला फिरका परस्ती चुकी करी हुण तुहानूं मैं काबे दे विचों दलील नाल साबित कर दिता है कि पत्थर भी मुसलमाना दे नज़दीक शिया दे नज़दीक नहीं कह रहा उम्मत दे नज़दीक काबले ताज़ीम काबले बोसा माशा हुण जनाब इहदे उत्ते की आया जमादात दे उत्ते नबाता तो तमाम आलमे इस्लाम कट्ठा होवे चोटी दे मौलवी कट्ठे वड्डे आलम वो कुर्सियां ते बाण ते मैं अगे सवाली बन के साइल बन के सवाली बन के गुजारशात करना मैं 97 च गया सी वो मेरी अहलिया भी मेरे नाल सी ते उन्हें कहा भी कोई तबरुकात ले लईए आ खजूरां ते कुछ वो मन जो बंदा ना खर्च कर नेड़े आवे अंदर आता तो औखा ही है बहरहाल मैं हूँ दिते पैसे मैं क्या भी आ लै जो कोई लैना है उस क्या मैं औरत ज्यादा मैं अपने शहर की नहीं वाकफ इतने मैं की लैना तुसें ही लियाना है मैं की लैना वो उत्ते नाल शिगरत तो होंदा कोई नहीं कलम कल्या तो ही लै वो फिर मैं एक आजी की मेहनत की थी मेरे नाल टोर थोड़ा जहा समान
वो खजूर वाली दुकान पर गए इतफाक नाल जिहड़ा दुकानदार उत्ते सेलमैन सी वो खानपुर कटोरे दा सी पता नहीं तुसीं जानदे हो कि नहीं रहीम यार खान अच्छा तहसील है रहीम यार खान सलाम अलैकुम और वालेकुम सलाम तो मैं बुझ लिया भी ये साढ़े जी है इतने मुलाजम में बेचारा नौकरी कर रहा मैं क्या भाई अज तो आए हैं कोई खजूर लेनिया ने तो कोई मेहरबानी कर रियायत कर दे जरा जायज रेट वो तो अज तो हर शायद मग ही बड़ी हो जाए जायज बहुत मग सौ की शायद हज़ार की हो जाए हो सके जी आ जड़िया ने यह तुम दे देंगे 500 तो किलो ए खजूर ए 2000 तो घट नहीं मैं वो फड़ियाँ तो एको जहियाँ एडा कोई फर्क कोई मैं बाबा जी पूछना भी इहदा रेट क्यों ज़्यादा है उन्हें क्या ये अजवा ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਦੁਆ ਮੰਗੀਏ ਮਾਈਨਸ ਮੰਗਾਈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਉਹ ਸਕਿਆ ਅਜਵਾ ਉਹ ਖਜੂਰ ਏ ਜਿਹਦੀਆਂ ਗਿਟਕਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਲਾਈਆਂ ਸਨ ਲਿਆਦਾ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਨਾਲੋਂ अफजल है तो इस वजह तो इहदा रेट भी ज्यादा मैं कह दोवे एको जिहियां नहीं उस अगे जहरन दोवे खजूरां ही नहीं मगर हकीकतन एको जिहियां नहीं ये जिहड़ी 500 तो किलो है ये गजा है ए जिहड़ी हजूर दे निस्बत नाल है ये गजा भी है ते शफा भी है हूँ आपे पिरा बैठे हैं गैर तो बैठा कोई नहीं ईमान न दसो खान नबी जड़ी खजूर दी गिटक लाए वो खजूर दूजिया खजूर जी नहीं ते नबी साढ़े जे ही है समझा रही है वो खजूर एको जहिया नहीं नबी साढ़े जैसे नबी साढ़े जे है तो मुड़ भावें गिड़क चौखियाँ प्याला है तो गलत फहमिया ने जैसे रल के मवेंगे ना इंशाल्लाह ऐसा हो ही नहीं सकता दूर ना पानी पीते हैं तरे लाँदी है कि नहीं लाँदी तो फिर यही गल है जैसे रल के बवेंगे नफरत खत्म करांगे इंशाल्लाह तो सब तो या पत्थर भी बराबर ते नवातात भी बराबर ठीक हो गया तो टीवी से बड़ा इश्तिहार चलता है अजवा का कोई ढेर चैनल ने जिन्हें से चलता है भाई भाई ये हजूर ने बड़िया फिर मौलवी लम्बिया तकरीर करते हैं भई एक लवो तो खाओ तो अच दिल की तकलीफ न दूर कर हूँ पहला दर्जा केड़ा हो गया जमादात तो दूसरा उचा बोलो नबाता और ये उत्ते आ गया है हूँ वो सबूत बहुत ज़्यादा ने लेकिन मैं एक ही दिया ए जो कुरबानी का लेला है बकरा या बच्छा या कट्ठा या जो कुरबानी का जो है ये बारे कुरान की है मौलवी तो फिरके देने कोई कुछ आखेगा कोई कुछ आखेगा अल्लाह ने किया जाके सुने बहुत तो
अल्लाह पाक ने कहा भी जरा तेरा कुरबानी का जानवर है यदा खून मेरे तक नहीं आता, यदा गोश्त मेरे तक, यदा हड्डियाँ मेरे तक और इसका चमड़ा भी मेरे तक नहीं। तो मेरा अल्लाह 10,000 का जानवर 50 का हो जाता, मेरे पैसे क्यों लवाना जैसे तेरे वाली शायद जाती ही कोई। कुरान कह रहा है ना भाई हड्डियाँ तेरे को, खून बोल दे, चमड़ा गोश्त, त्रै हिस्से ने गोश्त के बिच अल्लाह का कोई नहीं। शरीयत आती है एक मस्कीना का ते एक रिश्ते दारां दा ते एक अपना, लेकिन ये पुरानी शरीयत हो गई है। नवी शरीयत में एक हिस्सा अपना ते दो हिस्से फ्रिज दे। फिर कम चलता रहता है। अच्छा हूँ शिया सुनी खुदा वास्ते यार तरस करो, बड़ा लड़ लिया जे, बड़ा झगड़ लिया जे, कोई कट्ठे होइए, कोई प्यार मुहब्बत दियां गल्लां करिए, बंदे कतलां दी भी सुलह हो जाती है। ना खून ना हड्डियां ना गोश्त ना चमड़ा। मेरा अल्लाह तो मैन पैसे क्यों लवाना है मेरे, एडा कु लेला हुंदा तो अगला मंग लैंदा लख। कोई शायद तेरे वाल भी पहुंचती है, हूँ पता लगता है भी मैं की पढ़िया तो तू की सुन। जे कुरान ना हो तो कीमा करके मैंने कुत्तियां अगे पा दिया, जे तो जिद का इलाज को नहीं। अल्लाह फरमाया जितने दिन जानवर तेरे घर रे है जेड़ा तू ओदा अदब कीता है ना वो मेरे तक पहुंच गया। एको ही बकरी है, दो सलेले दिते ने, एक मैं नियत कर छड़ी है कुर्बानी भी, माँ भी एक के, दूध भी एक के, प्यो भी एक के, खुराक भी, वेड़ा भी, वो फर्क क्या ही शायद बन गया निस्बत। तो ऐसी गरीब शिया ने गाला सान क्यों कड़ा, असियाने कुछ चीजा मोहतरम नहीं, लेकिन जद निस्बत हो जाए फिर वो मोहतरम। हजरे असवद पत्थर है, निस्बत आले इब्राहिम नाल हो गए मोहतरम, खजूर निस्बत आका नाल हो गए मोहतरम, कुरान के खिलाफ अरश तो नहीं बनया, इत्थे बने हैं लैलपुर खड़िया थे, अफसाबाद भी लगी है, कराची बड़ी लगी निस्बत। कुर्बानी का जानवर बोलो निस्बत तो साबित होया, निस्बत सिर्फ शिया च नहीं बाकी मुसलमाना च भी। तो मैं आप चाह पींदा वहां तो तुहाना खां हराम है तो आप पीती जाना ये ठीक है, या तो तुम ही सिर्फ अल्लाह तक ही रहो कि अल्लाह ही काफी है, कैसे दा लाए ने सादियां बनियां मेरे लिए, कैसा दा है हूँ मुसलमान मस्कीन तो वो नहीं बोल सकता, मैं भी तरदीद करके काफर हो जा डरद है। तो एक नुस्खा दे चलिया याद कर लो बुलाया देना, अगर आइंदा कोई आखे कि मेरे लिए अल्लाह काफी है उन आखना है कलमा सुना, जदनों पड़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह, अगो पड़ेगा मुहम्मद रसूलल्लाह तो नाक भी ला इलाहा इल्लल्लाह ते ब्रेकां ला अल्लाह काफी है।
ਕਿ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲਾ ਇਲਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਜੂਆਤ। ਹੁਣ ਆਓ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਆ ਮਜਲਿਸ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆ ਬੈਨਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ, ਬੈਨਰ ਹੀ ਲੱਗਾ, ਬੈਨਰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਦਾ ਆਲਮ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣੀ ਵੋਟ ਮੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਿੱਟ ਸੇ ਆਪਾਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ। ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਬੁਸਾਲਾ ਨਾਲ ਆਓ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਆਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਨਾਲ ਆਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਕਾ ਕਿਹੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਨ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਡੋਰਾਂ ਯਾਰ ਉੱਤਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੀਕ, ਬੈਨਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? ਝੰਡਾ ਨੂਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਨੂਨ ਦਾ ਅਤੇ ਤਹਿਰੀਕ ਵਾਲਿਆਂ, ਕਾਫ ਵਾਲਿਆਂ, ਪੀ ਪੀ ਵਾਲਿਆਂ, ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਵਾਲਿਆਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਨ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ? ਬੈਨਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਲਸੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਝੰਡੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਏ ਹਾਏ ਪੱਲੇ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੀ ਥਕਾਇਆ, ਕੋਈ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਖਬਣਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਈ ਕੋਈ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਪੈ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਆਲ ਆਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਆਲ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ? ਦਸ ਮੁਹਰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਲਗਾ ਫਿਰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਲਿਆਦਾ ਮੈਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਹੁਸੈਨ ਦਾ, ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ, ਜਲਸਾ ਕਰਾਇਆ ਹੁਸੈਨ ਦਾ, ਬੈਨਰ ਲਾਇਆ ਹੁਸੈਨ ਦਾ, ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਹੁਸੈਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਲਮ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਦਿਓ, ਸਿਆਸੀਆਂ ਬੈਨਰ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਏ? ਅਜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਲਾਏ? ਜਿੱਤੇ ਦੇ ਦਲਾਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਨਾ ਬਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਈ। ਅੱਛਾ, ਪੁਸ਼ਾਮਨ ਜੁਰਮ ਦੱਸੋ ਬਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ। ਮਾਤਮ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਆਟੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮਾਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਲਸਨਸ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਆ ਟੀ ਵੀ ਕੱਢ ਲਓ ਸੀੜੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਮਾਤਮ ਦਾ ਤਲੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਨਾ, ਜਿਨ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਤਮ ਨਹੀਂ।
ਜਦਣਾ ਮੁਰਗੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਸ ਉਹ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੜਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਗੀ ਤੜਪਦੀ ਹੈ? ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਨ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੜਪਣਾ ਉਸੇ